Current year students of class 10, I am going to start a new chapter for you. This is chapter of civics, second chapter, federalism. In first chapter, we discussed power sharing in very detail. In that chapter, we concluded some fact that democracy has a special feature where power is decentralized in different wings of the government, different institutions of the government. This is only democracy which has this type of feature. No other type of governing system decentralized powers. On the basis of decentralization of powers, governments are of two types, federal and unitary. In this chapter, we will try to understand federal type of government or federalism. What is federalism and how we what decentralized power or power shared in different level of the government. In previous chapter we saw that Belgium and Sri Lanka. Belgium decentralized their power in different wings of the government, different level of the government, and Belgium solved their problem very easily, while Sri Lanka did not do so, and its problem is remains it. अभी तक उसकी समस्याएं बनी हुई हैं. तो power अगर आप अपने सामाजिक व्यवस्था या आवश्यकता अनुसार उसको डिसेंट्रलाइज नहीं किया, तो समस्या अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो समस्या बनी रहेगी, जैसा हम लोगों ने श्रीलंका में देखा. नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई व्हाट टू डिफाइन फेडरलिज्म. यू हैव अ कैपेसिटी टू नो व्हाट इज फेडरलिज्म. हियर सी, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country. What does this mean? This means federalism is a type of governing system where powers are divided in or between different level of the government. Every level of the government have their separate powers and they consume their power separately. And this powers is given to that particular level of government through constitutions. This is federalism. तो federalism एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जो भी powers होते हैं उसको सरकार के डिफरेंट लेवल पे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इस पे उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. और प्रत्येक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को जो भी पावर्स दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं, वो उसके अपने ज्यूरिस्डिक्शन के पावर होते हैं और उस पावर्स को वो सरकार अपने तरीके से कंज्यूम करती है. इस पर किस तरह का कोई बंदिश नहीं होता है. इस पर जो हायर लेवल गवर्नमेंट है वो उस पावर को कंज्यूम करने से नीचे वाले विंग्स को रोक नहीं सकती है. मतलब उसका पावर सेपरेटली अलॉटेड होता है और इस अलॉटेड पावर को चेक एंड बैलेंस के थ्योरी पे दिया जाता है कि कोई भी विंग्स या कोई भी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो एक दूसरे के अथॉरिटी को
डिस्टर्ब नहीं कर सके या उसको ओवरलैप नहीं कर सके, इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। तो फेडरलिज्म एक बहुत ही बेहतरीन व्हाट गवर्निंग सिस्टम है, और ये खास करके जिस सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, जिसके इथनिक कंपोजिशन अलग हैं, उस तरह के सोसाइटी के लिए तो ये दी बेस्ट गवर्निंग सिस्टम है। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाए हुए हैं, जिसमें आपको अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अपना इंडिया है, बेल्जियम है, ये सारे कंट्रीज जो खास करके बड़े बड़े कंट्रीज और जो जहाँ पे डाइवर्सिटीज है, उस तरह के कंट्रीज फेडरल सिस्टम को अपना के रखे हैं। चलिए हम समझने का व्यवस्था प्रयास करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को तो हम लोगों ने परिभाषित कर लिया, हमने देखा कि फेडरलिज्म कहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कहाँ किस टाइप के कंट्रीज ने फेडरलिज्म को अपनाया है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट आर दोज फीचर्स, व्हाट आर दोज फीचर्स विच मेक्स फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्निंग सिस्टम बेटर। वो क्या कौन सारी विशेषताएं हैं जिसके कारण फेडरलिज्म एक बेहतरीन गवर्निंग सिस्टम बनता है। चलिए आइए इस पर हम वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट इज फेडरल गवर्नमेंट हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट और थ्री लेवल, टू और थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब हुआ कि फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, ये दो तरह के की जो सरकारें हैं ये तो होती ही हैं, और एक तीसरी भी सरकार बनाई जा सकती है जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम कहते हैं, जो भारत में है, बेल्जियम में है। तो इस तरह से यहाँ पे टू टायर या थ्री टायर सिस्टम हो सकता है, मेनली इसका रूप टू टायर गवर्निंग सिस्टम कहा जाता है। दूसरा है इच गवर्नमेंट हैज देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन, प्रत्येक जो सरकारें होती हैं उसके अपने अलग ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। संविधान के तहत, संविधान के द्वारा उसको पावर अलॉट किए जाते हैं, और उस अलॉटेड पावर के अधीन रह के उसके अंदर उसको अपना काम करना होता है। तो कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक दूसरे के पावर को ओवरलैप नहीं करेगा, इस तरह की व्यवस्थाएं करी जाती हैं। इसके लिए आपको ज्यूरिसडिक्शन ये डिफाइंड कर दिया जाता है, और इसके अनुपालन के लिए आपको जुडिशियरी की व्यवस्था की जाती है। ओके, चलिए थर्ड, इच गवर्नमेंट ग्रांटेड बाय द कोर्ट, इच गवर्नमेंट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस मीन्स कि इच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज देयर स्पेशल पावर एंड दोज पावर्स आर ग्रांटेड बाय देयर द रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो संविधान के तहत ये पावर अलॉट किए जाते हैं, इस पर तो हमने कई बार बोला भी है। चलिए फोर्थ है कि नो वन कैन चेंज देयर फंडामेंटल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि किसी भी तरह से जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट का अपना अलग एग्जिस्टेंस है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग एग्जिस्टेंस है, तो इसको कोई बदल नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है। अगर इसको बदला गया, तोड़ा गया, किसी तरह से इसके जो अलॉटेड पावर्स हैं उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, तो दिस मीन्स कि फेडरलिज्म पर कुठाराघात किया गया। तो आइए अब समय के अभाव के कारण इससे आगे के फीचर्स हम इस वक्त सेशन में नहीं दे सकते हैं। आई हैव गिवन फोर वेरी इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। नाउ नेक्स्ट फीचर आई विल गिव इन नेक्स्ट
video. So, okay.